नमस्कार, आप देख रहे हैं रियल एक्सप्रेस और इस वक्त हम मौजूद हैं जनता मंत्री जेडीयू के कार्यालय में। हमारे साथ मौजूद हैं प्रदेश अध्यक्ष दयानंद राय जी, इनसे हम बात करेंगे विधानसभा चुनावों को लेकर। सर, आपका रियल एक्सप्रेस में स्वागत है। थैंक यू। सर, क्या कहना चाहेंगे इस बार के विधानसभा चुनावों को लेकर आप? विधानसभा चुनाव क्या आपको पता ही 8 तारीख को डेट डिक्लेयर हो गया है? सर, देखा गया है जिस तरीके से कि विधानसभा चुनावों का ऐलान हो चुका है, तारीख का ऐलान हो चुका है, उस तरीके से एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप की भी राजनीति शुरू हो गई है। जनता दल यू के कोई भी ऐसा चीज आपने नहीं सुनेंगे जो आरोप, चाहे बीजेपी या कांग्रेस आदि। हम तो अपना काम कर रहे हैं जी, और जो हमारे बिहार मॉडल है उसी को लेके हम दिल्ली में 1.5-2 साल से चल रहे हैं। और दिल्ली के 70 के 70 विधानसभा पे हमारे अपना जितने भी कार्यकर्ता बने हैं वो अपनी संगठन को मजबूत करने में लगे हुए हैं, और जो नीतीश कुमार जी का काम क्षेत्र है उसको हम लोग प्रेजेंट कर रहे हैं जी। तो सर, दिल्ली में इस बार आपकी पार्टी अकेले चुनाव लड़ी है किसी के साथ जन समर्थन करके? अभी तक तो हम लोग अकेले ही लड़ रहे हैं और अकेले की तैयारी कर रहे हैं, बाकी भविष्य क्या कहते हैं 1-2 दिन में वो आप लोगों के सामने आ जाएगा। सर, आप जनता के बीच में किन मैनिफेस्टो को लेके जाएंगे अपने? सबसे पहले तो जी, अनऑथराइज कॉलोनी जो दिल्ली का एक ग्रह बना हुआ है, जो 23 अक्टूबर को भी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश कुमार जी ने मंच से डिक्लेयर किया था, सबसे बड़ा मुद्दा तो इस टाइम ये है जी। उसके बाद रोड की मसला बहुत बड़ी है, जैसे जिस विधानसभा में मैं रहता हूँ, चाहे बदरपुर है, संगम बिहार है, वहाँ पे आदमी जाने के लिए भी सोचते हैं, जो अंदर चले जाते हैं निकलने के लिए सोचते हैं। एक तो रोड का मुद्दा बहुत बड़ी है, पानी का मुद्दा बहुत बड़ा है, कोई भी हमारी माताएं बहनों सेफ नहीं है। हाँ सर, जो भी नेता सत्ता में खड़ा होता है जनता से बहुत वादे करता है, लेकिन चुनाव आते आते और जीत जाने के बाद जनता को भूल जाता है, और वादे जो किए हैं वो कौन से वादे, क्या वादे, वो तो उसको याद ही नहीं रहते हैं। आप भी वादे लेकर जा रहे हैं अपने मैनिफेस्टो के साथ में, क्या कहेंगे इसको लेकर? सबसे पहले आपने ये क्वेश्चन बहुत अच्छी पूछी जी। आप बिहार में राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश कुमार जी की जो चेहरा है पूरी दुनिया जानते हैं। ऐसे ही जनसभा में एक महिला ने उनसे कहा था, जो अगर आप शराबबंदी कर दें तो हम लोग आपको वोट देंगे जी। और उन्होंने पहले इलेक्शन जब जीता तो सबसे पहला काम किया उन्होंने शराबबंदी, जो पूरा हिंदुस्तान इस चीज़ को देख रहे हैं, जो इतना बड़ा रिस्क कोई स्टेट नहीं उठाया, जो 100% शराबबंदी की उन्होंने। तो उन्हीं छत्र छाया के अंदर हम लोग काम कर रहे हैं, जनता दल यूनाइटेड जो भी कर रहे हैं वो राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश कुमार जी की जो कार्यक्रम है, जो सोच है, उसी सोच धारा पे हम लोग चल रहे हैं। तो ऐसा कभी नहीं हम लोग बोलते हैं जो हम वोट के लिए ही आए हैं, हम वही कह रहे हैं जो हम कर सकते हैं और वही कहेंगे जी। पर जनता कैसे विश्वास करे आप पे कि आप जो कह रहे हैं आप उस पे खड़े उतरेंगे? इसका उदाहरण है बिहार। हम तो अभी बताया ना आपको, जो 15 साल में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश कुमार जी ने जो कहा वो उन्होंने करके साबित किया है। कोई सोच रहा था जो बिहार में, जो 15 साल पहले बिहार थे, क्या आज जो बिहार है हो सकता था? तो आपको अभी पिछले क्वेश्चन में भी यही कहा मैंने, हम लोग वही कह रहे हैं जो हम कर सकते हैं। रोड, पानी, अनऑथराइज जो कॉलोनी है, और जो यहाँ हमारे महिला माताएं बहनों जो सेफ नहीं है, वो सारे मुद्दा को लेके ही हम लोग चल रहे हैं जी। सर, विधानसभा चुनावों में आप सबसे बड़ी समस्या ऐसी कौन सी हल करेंगे जिससे कि जनता आप पर विश्वास भी करेगी? जैसे कि बदरपुर में ओजोन की समस्या से जनता बहुत जूझ रही है, उसके लिए बहुत से नेता आए और कहा कि हम हटवा के रहेंगे, लेकिन अभी तक ओजोन नहीं हटाए। देखिए, 15 साल कांग्रेस भी नहीं हटा पाई, ये ओजोन है क्या, हमें तो आज तक ये समझ में नहीं आया। हम ये जानते हैं वहाँ के जो भी, चाहे कांग्रेस के नेता हो या बीजेपी के हो जी, इन दोनों ने पहले इसको बिजनेस मॉडल बना दिया, जो एक आओ तोड़ो उसकी पैसे लो,
दूसरे आओ भाई बना लो उसकी पैसे दो। तीसरा जब आम आदमी पार्टी की सरकार आई तो वो विधायक आए, वो इन दोनों से ही अलग निकले, जो भाई तोड़ने के भी पैसे दो हमें ही और अपनी छत डालने की भी पैसे दो हमें ही। हम इस टाइप का कोई काम नहीं कर रहे हैं, हम यही कह रहे हैं जो हम कोशिश करेंगे जो ओजोन को समझे। और वहाँ के जो चेयरमैन है के सिंह, मेरी कई मीटिंग हो चुकी है उनसे पूरी फाइल लेके, सबसे पहले मैं ही गया था अपनी वशिष्ठ बाबू के यहाँ, जो इसको आप संसद में उठाइए और इस ओजोन क्या है इसको जरा ख़त्म कराइए। तो हमारे सरकार आएगा तो सबसे पहला मुद्दा अनऑथराइज कॉलोनी या ये जो ओजोन आप बता रहे हैं इस सब को ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। बाकी काम तो दिल्ली में कुछ 5 साल हुआ ना, बहुत है, बाकी देखते जाइए। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने रियल एक्सप्रेस को अपना कीमती टाइम दिया। थैंक यू।